दोस्तों आज यानी कि 22 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर खेला गया। दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 273 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 274 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। दोस्तों भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो चुका है। इस जीत के बाद जहां भारतीय टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है, तो वहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान समेत 4 टीमों को तगड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वर्ल्ड कप 2023 के पूरे पॉइंट टेबल के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी कि 10वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 10वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम का नाम आता है। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से अफगानिस्तान की टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली जबकि 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ अफगानिस्तान टीम के 2 पॉइंट हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट -1.250 है। दोस्तों बता दें कि इसी के साथ अब अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि दोस्तों नंबर 9 पर पिछली बार की चैंपियन टीम इंग्लैंड का नाम आता है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 4 मुकाबले खेले, जिसमें से इंग्लैंड की टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में इंग्लैंड की टीम के 2 अंक हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट -1.248 है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम भी अब वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर श्रीलंका की टीम मौजूद है। दोस्तों बता दें कि श्रीलंका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से श्रीलंका की टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बता दें कि श्रीलंका के 2 पॉइंट है और नेट रन रेट -1.048 है। दोस्तों श्रीलंका की टीम भी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर श्रीलंका की टीम अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीत लेती है और अपने नेट रन रेट को भी बहुत ज्यादा सुधार लेती है तो श्रीलंका की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर नीदरलैंड की टीम है। दोस्तों बता दें कि नीदरलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से नीदरलैंड की टीम ने 1 मुकाबला जीता है जबकि 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड के 2 अंक हैं जबकि नेट रन रेट -0.790 है। दोस्तों नीदरलैंड की टीम भी अब वर्ल्ड कप 2023 से लगभग बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 6 नंबर की बात करें तो दोस्तों नंबर 6 पर बांग्लादेश की टीम का नाम आता है। दोस्तों बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश की टीम ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से बांग्लादेश की टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ बांग्लादेश टीम के 2 पॉइंट हो गए जबकि नेट रन रेट -0.784 है। दोस्तों बता दें कि अफगानिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड और बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपने नेट रन रेट को भी बहुत ज्यादा सुधारना होगा, साथ ही दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना होगा, तभी ये टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये टीमें अब एक भी मुकाबला और हारती हैं तो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी। जबकि दोस्तों आज के पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर पाकिस्तान की टीम का नाम आता है। दोस्तों बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से पाकिस्तान की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों पाकिस्तान के 4 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.456 है। दोस्तों पाकिस्तान की टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही पाकिस्तान की टीम को अपने नेट रन रेट में भी बहुत ज्यादा सुधार करना होगा। जबकि दोस्तों आज के पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम आता है। दोस्तों पेंट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट है और नेट रन रेट -0.193 है। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 5 मुकाबले और जीतने होंगे और साथ ही अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। जबकि दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका की टीम है। दोस्तों बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 3 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ साउथ अफ्रीका के 6 अंक हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट 2.212 है। दोस्तों साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब बाकी बचे 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले और जीतने होंगे। जबकि दोस्तों आज के मुकाबले में भारतीय टीम
न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट टेबल में नंबर एक से नंबर दो पर पहुंच चुकी है। दोस्तों बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की टीम ने लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ पॉइंट टेबल में न्यूजीलैंड के 8 अंक हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट 1.481 है। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 मुकाबले और जीतने होंगे। जबकि दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं और 5 मुकाबलों में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। और इसी के साथ भारतीय टीम के 10 अंक हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट की बात करें तो भारतीय टीम का नेट रन रेट 1.353 है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक मुकाबला और जीतना होगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, और क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।